अस्सलाम वालेकुम। इस जगह पे हम 2017 में पहली बार आए थे। यह है क्रिसेंट हॉस्टल इस्लामी कॉलेज सिविल लाइन। तो 2017 से 21 तक हमारा सेशन था, 4 साल का BS प्रोग्राम हमारा इस्लामी कॉलेज सिविल लाइन की तरफ से था, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो यहाँ पे हमने 4 साल का पीरियड गुजारा और कारी साहब के साथ बहुत हमारे अच्छे ताल्लुकात यहाँ पे गुजरे हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रहे हैं। तो कारी साहब, आप सुनाएं कैसे हैं यार? जी कारी साहब, अल्लाह करम एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल मालिक भाई से जब पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी तो एक बहुत अच्छी शख्सियत है ये और खुश मिजाज शख्सियत है। जज़ाकल्लाह। और ख़ास तौर पे जो मुझे इन्होंने इज़्ज़त दी है अपने छोटे भाई की तरह या बड़े भाई की तरह, भाइयों की तरह मुझे इज़्ज़त दी। और आधी रात को भी हमने अगर इनको आवाज़ दी तो कभी इन्होंने ना नहीं की और हाजिर हुए माशाल्लाह। और मैं अगर ये कहूँ कि इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर अब्दुल मालिक भाई हमारे साथ थे, तो मैंने कभी ये महसूस नहीं किया था कि मैं बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि मैं अपने भाइयों के साथ रह रहा हूँ, अपने भाइयों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, अपने भाइयों के दरमियान टाइम गुजार रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे जो इज़्ज़त दी है वो भाइयों की तरह मुझे इज़्ज़त दी है। जी, बहुत शुक्रिया कारी साहब। कारी साहब के और मेहमान भी आए हुए हैं, तो ये देखें। और इसके साथ साथ हमारे साथ रिजवान भी मौजूद है। रिजवान, हाथ हिला दें, आप स्पेशल पर्सन हैं हमारे यूट्यूब पे। तो अब चाय की ब्रेक है थोड़ी सी, और इसके बाद जो हॉस्टल के जो भी व्यू है वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। मालूम है ना, बहुत थोड़ा गर्म है।